आज हम आपको एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारी किडनी के एंटीरियर पार्ट पर, हर किडनी के एंटीरियर पार्ट पर एक एक एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर में प्रेजेंट होती है। और इस ये जो ग्लैंड है ये दो तरह के टिश्यूज से मिलके बनती है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि मान लो ये एड्रीनल ग्लैंड है, तो बाहर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला पार्ट है वो कहलाता है मेड्यूला। अब क्या होगा कि जो एड्रीनल मेड्यूला है यानी कि एड्रीनल ग्लैंड का जो सेंटर वाला पार्ट है, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है एड्रीनेलिन और दूसरा है नॉर एड्रीनेलिन। तो एड्रीनेलिन का दूसरा नाम इपिनेफ्रिन भी है और नॉर एड्रीनेलिन का दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्रिन भी है। अब इन हार्मोन्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैटेकोलमाइंस बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन जब होगी तो उसी कंडीशन में ये रैपिडली सिक्रीट होंगे। और क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में या स्ट्रेस के टाइम पर ही रिलीज होते हैं, इसीलिए इन हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। इन हार्मोन के सिक्रीट होने पर क्या इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी पे, ज़्यादा अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन यानी कि आइज़ का जो प्यूपिल वाला पार्ट है वो डायलेट हो जाता है, यानी कि पुतलियाँ फैल जाती हैं। पाइलो इरेक्शन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हेयर हैं वो कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसको रोंगटे खड़े होना बोलते हैं, और स्वेटिंग होने लग जाती है। अब ये जो दोनों हार्मोन हैं एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन, ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज करते हैं और साथ साथ हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को ये बढ़ाते हैं, साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये बढ़ाते हैं। अब कैटेकोलमाइंस क्या करते हैं, इनका और काम क्या है, ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को तेज करते हैं। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज कहाँ पर आ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि इस टाइम हमको इंक्रीज्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। और ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के अलावा ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन करते हैं जिससे कि ज़्यादा एनर्जी मिल सके। अब जो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्री लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो सबसे अंदर की लेयर है, अब हम देखते हैं कि इस तरह से है, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया सॉरी, और ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है। तो अब हमने कहा कि इस बाहर वाले रीजन को हम तीन लेयर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बीच वाला तो क्या था, मेडुला। अब ये बाहर वाला जो कॉर्टेक्स है हमने इसको तीन लेयर्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से जो ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। फिर जो मिडिल लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो सबसे बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन कितना, ये सारा पार्ट, ये मेडुला को छोड़ के ये जो सारा का सारा बाहर वाला पार्ट है, ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है और इन हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकोइड्स। अब ये कॉर्टिकोइड्स ना कई टाइप के होते हैं, कैसे, अब हमने इनको कैटेगरी में कैसे बांट दिया, इनके वर्किंग के अकॉर्डिंग, किस तरह का वर्क ये परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इस तरह के कॉर्टिकोइड्स जो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो
तो उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनने वाला है, ग्लूकोज। तो इस तरह के कॉर्टिकॉइड को हमने क्या बोला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, जिसमें से सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कोर्टिसोल। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है, मतलब डाइजेस्ट मीन्स ब्रेक डाउन करवाता है, और क्या बनाता है फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इस तरह के कॉर्टिकोइड जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करेंगे, इस तरह के कॉर्टिकोइड को हम क्या बोलेंगे, मिनरलो कॉर्टिकोइड। अब जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये कैटेगरीज बना दी कॉर्टिकोइड्स की। पहली कैटेगरी क्या बनाई हमने, पहली कैटेगरी बनाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूको और कॉर्टिकॉइड के लिए सी लिख दिया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसने तो क्या किया था, ग्लूको, इसने कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म कर दिया और उसका ब्रेक डाउन कर दिया। नंबर टू पे आया फिर मिनरलो कॉर्टिकॉइड, अब नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है। तो जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने आपको बताया था कि इसका एग्जांपल क्या होता है, कॉर्टिसोल, इसी तरीके से मिनरलो कॉर्टिकॉइड का जो एग्जांपल है वो है एल्डोस्टेरोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो क्या काम करते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है? तो सबसे पहले अब हमने क्या कहा कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो मतलब क्या करवाते हैं, ये ग्लूकोज बनवा रहे हैं। तो इस नया ग्लूकोज बनने को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नया, और जेनेसिस मीन्स बनना। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, ये उसको करवा रहे हैं, न्यू ग्लूकोज के प्रोडक्शन को एनकरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है आपका और क्या करवाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिपोलिसिस। लिपोलिसिस मतलब फैट का ब्रेक डाउन करवाते हैं। और तीसरा चीज है प्रोटियोलिसिस, यानी कि प्रोटीन्स को भी ये ब्रेक डाउन करवाते हैं। साथ साथ एक काम और करते हैं कि सेल्स के अंदर एमिनो एसिड्स ना तो अपटेक होंगे अब ना यूटिलाइजेशन होगा, तो उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कोई भी सेल इस चीज़ को नहीं लेगी, बल्कि क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इन चीज़ों का ब्रेक डाउन करवाएगी। तो ये जो कॉर्टिसोल्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, साथ साथ किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करवाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं, RBC को प्रोड्यूस करवाते हैं, ये सब इनके वर्क हो गए। अब जो एल्डोस्टेरोन है, यानी कि मिनरलो कॉर्टिकॉइड जो है, वो क्या करता है, ये किडनी का जो रिनल टिब्यूल वाला पार्ट होता है उसमें क्या करवाता है कि ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को तो स्टिमुलेट करेगा, और क्या एक्सक्रीट किस चीज़ को करवाएगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस को ये एक्सक्रीट करवाता है। तो अब एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना रहना है, या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कितना रहना है, या कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है होना चाहिए, BP को कंट्रोल करने का काम, क्योंकि हमने कहा ना कि ये सोडियम को क्या करवाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, BP बढ़ता है। और इसके अलावा ये क्या काम करता है एल्डोस्टेरोन, कुछ अमाउंट में एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, कि जो हमने बताया था ना कि आपको ये वाला रीज़न एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो ये क्या करता है कि इस रीज़न से कुछ हार्मोन और दूसरी तरह के हार्मोन भी निकलते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं उन हार्मोन्स को, जो मेल के अंदर एक्सियल हेयर की ग्रोथ, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, या फेशियल हेयर ग्रोथ करवाता है प्यूबर्टी के टाइम पर। तो ये वर्क हो गया सारा एड्रिनल ग्लैंड का। आज हम इतना ही करेंगे।